सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग, करिश्मा ढिल्लोज ब्लॉग। तो आज मैं कर रही हूँ पैकिंग, बैग मेरे हाथ में है, थोड़ा ही सामान रखना है। मैं जा रही हूँ अपने मायके दिल्ली, भाई और पापा आ रहे हैं लेने। तो मम्मी ने स्पेशल फ़ोन किया है कि सामान बहुत थोड़ा लाना, तू पहनती है नहीं, तो बस लोअर टी शर्ट ही मैं पहनती हूँ, भर के यहाँ से ले जाती हूँ। तो इस बार मुझे भी लग रहा है कि सही बोल रही हैं, तो मैं बस ये वाले बैग में अपना और यशवी का सामान रख रही हूँ। तो थोड़ा ही रखूँगी, लोअर टी शर्ट सारे रखूँगी, एक दो सूट रख लूँगी कहीं आना जाना हुआ, एक जीन्स रख लूँगी बस। तो बस थोड़े से कपड़े निकाले हैं मैंने, ज़्यादा नहीं निकाले हैं, इनको बैग में डालती हूँ और फिर चलते हैं। तो गाइज रेडी हो गए हैं और बस अब निकल रहे हैं, इससे पहले व्लॉग लेने का टाइम कट हो गया। फाइनली वो डे आ गया है, तो मैं भी बहुत खुश हूँ और मम्मी भी बहुत खुश है। बट मेरी अम्मा सैड है। नाना का फोन आ गया, चलो बाय 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 बाय। हम चले छुट्टियां मनाने, कैसा लग रहा है? अच्छा। एक्साइटेड? यस। दिल्ली में क्या क्या करना है? मुझे बहुत मजा आएंगे, मैं गेमिंग जोन जाऊंगी, पूल में जाऊंगी गिनो के साथ। यशवी हेलो, पहुंच गए आखिरकार नानी के घर। गाइस यहाँ पे ले रहे हैं टब गिनो के लिए, देखते हैं। आपने कहाँ रखा छुपा के डायमंड? बताना पड़ेगा, नहीं बताएंगे। अब के लिए मम्मी ब्लॉग करेंगे, जेल में चले जेल में चले, ब्लॉग की जिम्मेदारी मम्मी की। कहाँ पे छुपा कर रखा है? हमने बताएंगे, नहीं बताएंगे। पढ़ाई करेंगे फिर? नहीं बताएंगे हम, आपको बताना पड़ेगा चोर। नहीं नहीं बताएंगे। मजाक कर रहे थे गाइस, जेल में नहीं जाएंगे हम। आपको फॉलोवर्स सोचेंगे, आपको जेल चले गए। मेरे बहुत मम्मी से भी ज्यादा होने वाले सब्सक्राइबर्स। अच्छा, आपको से ज्यादा होने वाले हैं? तो तुमने तो बता दिया, तुम्हारे नहीं होने वाले क्या? इनके होने वाले एनपीटीसी के। इतने सारे कौन कौन ले आए पापा? कार में बैठ, कार में बैठना है। गाइस मेरे बैग की औकात देख लो। ये बड़ा गाइस, तो मैं फाइनली अपने भाई के पास पहुंच गई। चलो बताओ 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 गाइस, तो फाइनली मैं अपने गाइस के पास पहुंच वो तो यशवी को छूने भी नहीं दे रहा। गौरव तेरे के पास आ रहा है। देखो यशवी और यशवी की छोटी सिस्टर, यशवी की सिस्टर प्रिंसेस। अरे वाह, गिने जा कर दो ये वो नहीं आ रहा, वो जाएगा बाहर। गिनू बाय टाटा। और आज फाइनली दिल्ली आके हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, और वो भी फेमस सरोजनी नगर। तो दिल्ली आओ तो वहीं जाना बनता है सस्ती शॉपिंग के लिए, महंगी तो वहीं करते रहते हैं। तो मेट्रो बिल्कुल खाली है और मैं और भाभी जा रहे हैं, गिन्नू और यशवी घर पे हैं। अब देखते हैं क्या क्या लेते हैं, फिर घर आके आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या शॉपिंग करी है। वहाँ पर दिखाना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा,
इतने बड़े ब्लॉगर अभी हम बने नहीं हैं जो भीड़ भाड़ में शूट कर पाएँ, क्योंकि मेरा पहले फ़ोन चोरी हो चुका है। मैं मार्केट में फ़ोन ज़्यादा चलाऊँगी नहीं और छुप के आई हूँ, तो ब्लॉग अपलोड करूँगी थोड़ा लेट जब घर पहुँच जाऊँगी और दो चार दिन बाद, क्योंकि शनिवार ने मना करा था कि मार्केट बन जाइए। तो अब चलते हैं और फिर शॉपिंग करते हैं, देखते हैं क्या क्या लेते हैं। हम लोग पहुंच गए गाइस सरोजनी नगर, अब बस चलते हैं। इस कुछ खाएंगे उसके बाद शॉपिंग करेंगे। बहुत हिम्मत चाहिए हमें जाने के लिए। सो गाइस कैसे लग रहे हैं मेरे ये न्यू ग्लासेस? ये सरोजनी का ही माल है और सामान तो सब लुट चुका है घर आते ही, सब कुछ खोल खाल के सब अपना अपना ले जा चुके हैं और कुछ भी नहीं आया, बस छोटा मोटा सामान है। तो दिखाऊंगी अभी आपको तसल्ली से। सरोजनी की बनाई थी, थक चुके हैं फिलहाल। और ये देखो गिन्नू पापा को आज पूरा थका दिया, पापा को घुमा घुमा के परेशान कर दिया। गिन्नू हेलो हेलो, ये पकड़ना यार हमारा मोबाइल लिखो हेलो। अरे 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 गिन्नू के लिए भी गाइस बस सॉक्स ही आया है, गिन्नू के लिए नाइट सूट लाने थे नहीं आए। मम्मी का आया टाइट आया, पापा का एक लोअर आया, बाकी गौरव के लिए आए यशवी की एक जीन्स आई, ये री ब्लैक बेल बॉटम, बाकी मेरी तो गाइज यशवी ने घर पे दूध पीना छोड़ दिया था और यहाँ पर देखो अपनी मामी का कहना कितना मान रही है, कब से दूध पी रही है। और ये वीडियो ना अब अम्मा बाबा भी देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे ना वो मुझे इसको डांटने नहीं देते तो ये दूध नहीं पीती है। देखो कब से दूध पी रही है, यहाँ पे कल भी इसने कब से दूध पिया और आज भी कब से दूध पी रही है ये। तो देख लो नानी के यहाँ आके दिखा रही है कि बहुत दूध पी लेती है कब से। यशु बड़े हो गए हो आप सही लग रहा है कब से दूध पीना, मजबूरी में पी रही है गाइस मामी डांटे दूध कैसा लग रहा है? नहीं पीना तो रहने दो। टेस्टी है शुगर वाला। अच्छा बहुत टेस्टी है, पी लो फिर। तो देखो गाइस घर पे ऐसे नाटक दिखाती है, दूध पीने के लिए इसके पीछे लगना पड़ता है, मतलब जब से इसने बॉटल छोड़ी है ना तब, मतलब बॉटल से तो ये इतना दूध पीती थी कि एक बार में इसको दो दो बॉटल दूध चाहिए होता था। जब से बॉटल छोड़ी जब से दूध भी छोड़ दिया और अब देखो आज नानी के यहाँ पे मामी के डर से पी रही है कब से दूध। यशवी किस डर से? किस डर से? ताकि मामी मुझे ट्यूशन पढ़ाए ना, उस रूम में बिठा दे। अच्छा तो ट्यूशन पढ़ना तो अच्छी बात होता है, पढ़ाई करना तो अच्छी बात है, पढ़ाई से डरना थोड़ी है। उन्होंने ट्यूशन भी छोड़ दिया। चलो गाइस को बाय कर दो। बाय गाइस, वीडियो को लाइक शेयर मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद जय हिंद। सो बाय गाइस, मिलते हैं जल्दी आपसे न्यू ब्लॉग में।